हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.13। इसमें कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है और इसमें अपने को क्या निकालना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा आर जी नॉट एट द गिवन टेम्परेचर इज -13.6 किलो जूल मोल का पावर -1 दे रखा है। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना और ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको कैसे लिखोगे, लॉग के इक्वल्स टू डेल्टा आर जी नॉट अपॉन -2.303 आर टी। क्लियर? ठीक है, आर की वैल्यू सब जानती हो आप। देखो लॉग के इक्वल टू वैल्यू पुट करो, देखो डेल्टा आर कितना है -13.6 किलो जूल को जूल में बदलो 10^3 जूल मोल का पावर -1। किलो जूल को जूल में बदल रहा हूं तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, -2.303 आर की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, और इसका वो भी लिख लो, जूल मोल का पावर -1 केल्विन का पावर -1 इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन ना, 298 केल्विन है ना। ठीक है, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया और ये इससे भी कैंसिल, इससे भी, इससे कैंसिल। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो लॉग के इक्वल टू इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, इसको तो ये आपके पास में आएगी 2.38 वैल्यू। समझ में है ना? अब दिमाग की बत्ती गुल। अब देखो लॉग के इक्वल टू 2.38 है। ठीक है, अब इसको अगर एंटी लॉग करके निकालोगे है ना, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो 2.38 जैसे ये निकाल लिया हमने को, तो इसमें आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं, लॉग के इक्वल टू एक काम करो आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे देखो कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड लॉग की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। समझ में? अगर वैल्यू दे रखी है तो अलग बात है, और अगर नहीं दे रखी है तो प्रॉब्लम है। तो आप ये याद कर लो, देखो लॉग 10^1 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10^2 लॉग 10^3 इक्वल टू 2, 3, और लॉग 2 की वैल्यू याद कर लो, लॉग 3 की वैल्यू याद कर लो, इसकी होती है 0.3010 और इसकी होती है 0.4771। ये वैल्यू याद कर लो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे देखो लॉग 100 इक्वल टू होता है 2, लॉग 100 इक्वल टू होता है 2, और लॉग 1000 इक्वल टू होता है 3। तो 2.38 आ रहा है, वैल्यू आ रही है 2.38 आ रही है, तो वो कुछ क्या होगा बताओ, लॉग 100 और 100 के बीच में होगा, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करो इसको पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, 2.38 लिख सकता हूं क्या इसको, 2.38 लिख सकता हूं क्या इसको। क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी याद रख लो लॉग की, लॉग x इंटू वाई होता है, लॉग ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग x इंटू वाई होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लॉग x प्लस लॉग वाई। क्या लिख सकता हूं, लॉग x इंटू वाई होता है ब्रैकेट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई। ठीक है, अब ये बताओ लॉग k है इक्वल टू 2.38 है, तो इसको भी दो पार्ट में वो कर लो ना k की वैल्यू को, तो ये हो गया लॉग मान लो x प्लस लॉग y, k की वैल्यू कुछ भी मल्टीप्लीकेशन होगी ना, जैसे मान लो 1 × 10 100 से तो ऊपर ही होगी, मतलब मान लो आप 200 मान लो। ठीक है, तो 2 × 10^2 या 3 × 10^3 तो नहीं होगी, मतलब 2.5 × 10^2 ऐसे कुछ होगी। ठीक है, तो ये होगा 2.38। क्लियर? अब देखो log x में क्या है कि 2 आए, log x में क्या है कि 2 आए, log 10^2 है ना, x की वैल्यू पता लग गई आपको क्या, 10^2 तभी तो आएगा है ना, और log y में क्या पुट करूं कि 0.38 आ जाए, तो देखो log 2 की वैल्यू आती है 0.3010, क्या आती है 0.3010, और log 3 की वैल्यू आती है 0.4771, तो इनके बीच में आएगी।
ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 0.38 भी ले सकते हो, 0.4 भी ले सकते हो और 0.39 भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी लोग y की वैल्यू कितने ले रहे हैं, 0.4 ले रहे हैं, सॉरी क्या है 2.4। इसकी log 2 की वैल्यू होती है 0.310, तो अपने को चाहिए 0.38, तो 0.38 में कितनी आ सकती है, log 2.4 की भी आ सकती है और log 2.4, 2.39, 2.35 भी, या log 2.4, 2.4 की वैल्यू भी आ सकती है और 4.2 या 3.5 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली लेनी पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या है 2.4, तो ये आ गया ये k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आ गई 2.4 × 10^2। तो इसमें दोस्तों ये तो मैंने आंसर से वो किया है, इसको मैच किया है ना, लेकिन आप अब अगर इसको 2.39 ऐसे भी करोगे, 3.8 या 3.5 भी करोगे ना, तो आपका नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आपको अप्रोक्स ये एग्जैक्टली वैल्यू तो बता नहीं सकते ना आप। ठीक है, तो आंसर कितना है 2.4 × 10^2 के की वैल्यू। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देख लेना इसको, पहले तो ये लिखना ठीक है, और फिर ये याद रखना log की प्रॉपर्टी x into y equals to लिख सकते हैं log x plus log y। तो k की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, x into y मतलब कुछ भी होगी, जैसे 2.8 × 10^2 या कुछ है, और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया 2 + 0.3 है, तो log k की वैल्यू जैसे x की log x क्या है जब कि 2 आ जाए, तो log क्या हो जाए, log 10^2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, मतलब 10^2 तो एक तो ये हो गई, और log y मतलब कितना चाहिए 0.38, तो 0.38 की किसके बीच में आया अप्रोक्सीमेटली 2.4 के, तो log के वो k की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, यहां लिख देता हूं k = 2.4 × 10^2। ठीक है दोस्तों।